ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਰੋਡ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਹਮ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਮੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਮਾਰੇ ਲਾਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप साहब भाई हो आप सब ठीक हो गए तो हम आए जी शादी पर बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे साथ उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है ठीक ठाक गर्मी बिलाल भाई बहुत है जी तो उसामा भाई आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे हुक्म करो यार वो गोले वाला है थोड़ा गोला ही खराब है यार गर्मी में हम बहुत ज्यादा पागल हो गए आपको पता ही है की कैसे हालात है यार क्यों नहीं ओ मलिया डेरा जोड़ साडा गोला खाने दिल किया हाँ जी आ जाओ जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी एक दो तीन तीले से ला दो जी भाई यार सिस्टम सही है यार चमची वाला मैं कहना फिर वो जेड़ा बड़ा स्वाद आना ही होता अच्छा जी तीले वाला ना फिर अच्छा लगना ही इतने तो बड़ा मजा आएगा बिलाल भाई अच्छा समा भाई और आप क्या कहना चाहेंगे इतनी गर्मी में शादी लोग करते हैं मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ना गर्मी में शादी ना करें हाँ जी हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस हमने अलग बोतल के चार चार ग्लास पिए फिर भी भाई नहीं है। ये देखें ओए होए होए रस्सी का जो उनसे इंतजार हो रहा है ये कमी हो रही है कमी महसूस हो रही है हाँ तीन तीन बार भाई बोतलें भी पी ली हैं पर मंजी कुछ भी नहीं खाना भी खाया है तो फिर भी भूख लग गई दोबारा फिर हमने काफी ज्यादा गर्मी है हम यही कहना चाहेंगे कि गर्मी में शादी नहीं करे हमने सोचा कि अपना गोला थोड़ा सा हमारे लात देखो क्या हो गया लात मतलब भाई गोला खा रहे हैं जी भाई खाली यही बचा क्योंकि इधर कुछ शॉप वगैरह नहीं है क्योंकि ये भाई खड़े हैं बीस रुपए में भाई ठंड मजा चिल कर रहे हैं हाँ जी ये तो है गर्मी है लेकिन मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा जितनी गर्मी है भाई खुदारा कोई शादी ना करे जितनी गर्मी हाँ जी ईद के बाद जब मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए उसके बाद जितनी मर्जी शादी करें ये मैरिज हॉल जो सा है शादी हॉल इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बाकी भैया नहीं लग रहा जो मैं पोल्ट्री फार्म में मुर्गी वाला फाइनली ये भाई तैयार हो चुके हैं चलो खा के दिखाओ ना अब और बताओ कैसा है ये क्या हरकत कर रहे हैं ये क्या हरकत की आपने मेरा गोला तैयार हो रहा है बहुत सारी आई पी करके बना दो यार लाल भाई आपने कहा ना क्या हरकत की है हाँ जी मैंने चखा था ये अच्छा जी मीठा ज्यादा या कम है दुल्हन भी आ गई है अभी दुल्हन आ गई है नहीं लो जी दुल्हन ने पहली दुल्हन में एंड ते आई है रोटी रोटी खा के फ्री हो गए हैं दो घंटों के बाद आई है दुल्हन इस बारे में क्या रिएक्शन है आपका मेरा रिएक्शन वो बुरा पर लाया क्या आपका कैमरा बंद कर दो ओए हो यार बहुत ही लोकी तपे हैं मेरा गोला आ गया तो हम गोला खान दो हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे ये कहना चाहूंगा कुछ टपनी दे हाल सी सारी प्रोग्राम दी भैन ओए आ की कहते हैं दो दिन बातें कहें आप जी 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 आजम भाई खाना नहीं खाया आपने अभी तक गोले ही खाई जा रहे हो दही बनाना तो वीडियो ही बंद भी हो रहा है की हो रहा है दोबारा बना नहीं नहीं बंद नहीं बीच बोल पे दोबारा ही बंद की ये भाई बहुत अच्छा हाल था इधर खाना खाया मजा आ गया कोई नहीं चंगा सी भाई मैं दसा मैं लगता मुर्गी फार्म थी मुर्गी फार्म नहीं थी इन्हें भाई इन्हें कहना ही कहना इन्हें बोतल रोड दी टेबल पे करता बाहर उसकी वजह से ये लड़का कह रहा है मुर्गी फार्म है पता नहीं किधर से आ जाते हैं यार नो शंट मैन निकल सामा भाई क्या कहना चाहेंगे आप भाई वो कह रहे हैं कि ना अभी नहीं जाना तो हम कह रहे हैं कि
भाई गर्मी बहुत है, ना जल्दी जल्दी सुबह निकल जाए यहाँ से। अभी उन्होंने रस्में करनी है, 2 घंटे मस्त लग जाएंगे ऐसे ही। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम 2 बजे के आए हुए हैं, अब कोई 5:30 हो गए। टाइम की पाबंदी करनी चाहिए भाई। टाइम की पाबंदी नहीं, क्यों भाई? गर्मी में शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सबसे खास बात है, जो कि अहम बात, इस मौसम में कच्चा बनैन ये पहननी चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप कहना चाहते हैं कि शादी में हम ये सब पहन के आए? हाँ, कच्चा और बनैन पहने, बड़ा देखते हैं कहना अच्छा ये शादी में नहीं, ये लगता कोई मंगना लेके आ गया। नहीं यार इस तरह भी नहीं होगा। तो गाइस हम फाइनली जा रहे हैं घर की तरफ, रवाना होने जा रहे हैं। शादी हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट नहीं हुई, लीमा खा लिया आपने? नहीं, अभी कल को खाना है। क्या खा लो? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जा रहे हैं घर वापस। ओके, बाय बाय।